हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक सिविलियन मेन्यू बिकॉज़ सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा मनी ओरिएंटेड, मतलब पैसा कैसे कमाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं किस तरीके से हम इजली तो नहीं बोलूंगा, हार्ड वर्क करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप सबको पता है कि आज के टाइम में सभी लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में क्या आगे भी यही होने वाला है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि डिजाइनिंग और डिटेलिंग, कंस्ट्रक्शन और ये सब जो स्ट्रक्चर और जो भी काम लैपटॉप से हो सकते हैं, वो सारे काम ऑनलाइन ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे। ऑलरेडी चल रहा था, बट ये 2021 है ना, इसने और बूस्ट कर दिया उस काम को। तो ऐसे में आपको अगर ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो भाई कैसे अर्निंग करेंगे? ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए जैसे कि आप सब सोचते होंगे, गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड, स्टेट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप सबको पता है कि 2021 ने जो सिचुएशन दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन मार्केट बढ़ता चला जा रहा है। तो मैक्सिमम लोग अभी ऑनलाइन चीजें सीख चुके हैं कि भाई कुछ काम करना है, स्ट्रक्चर का वर्क करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है क्या ऑनलाइन, ठीक है, हाँ भाई यार ऐसे ऐसे प्लान था इसको करके दोगे क्या, ठीक है, इंटीरियर कराना था, अच्छा ठीक है कि इंटीरियर वाला बंदा उसको फोन किया, उसको बोल दिया फटाफट, उसने बोला हाँ डिजाइन करके मैं दे देता हूँ। तो अभी ऑनलाइन वर्क बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में आप भी अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से बैठ के। थोड़ा पेशेंस की जरूरत होगी। आज आम को बोया है और कल ही फल नहीं मिलेंगे, कहते हैं ना वो, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। तो थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा हार्ड वर्क कैसे करना ये बता देता हूँ। देखो, एक है कि आपको अगर थोड़ा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप अच्छे अच्छे अगर मॉडल बना सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो, स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो उसको आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके रिलेटिव्स होंगे, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स होंगे, वो सब धीरे धीरे हो सकता है आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलने लगे, एक दो काम तीन काम से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे ईजी भी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। जैसे मैंने डाला था, जब मेरा पहला प्रोजेक्ट था 22.45 का था, तो मैंने डाला उसको 2015 में डाला था मैंने उस प्रोजेक्ट को। तो उसको डालते ही मेरे दो तीन रिलेटिव मेरे से बोले मुझे ही बनवाना है, मुझे बनवाना है। मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किए और काम मिलते मिलते 4-5 काम मिल गए थे मुझे, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया थोड़ा सा अच्छा था उस टाइम पे भी, जब हम फेसबुक चला के देखते थे कितने लाइक हुए, अब नहीं देखता हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब उस टाइम पर आप आराम से काम कर सकते हो, बट अगर आपको प्रॉपर प्रोफेशनल क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है, प्रॉपर प्रोफेशनल क्लाइंट्स चाहिए, तो दो प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक तो है लिंक्डइन, जिस पर आप प्रॉपर जो भी काम करो उस पर जरूर डालो, लिंक्डइन पे जरूर डालो, धीरे धीरे लीड मिलना स्टार्ट हो जाएगी, उस पर व्यूज बढ़ते चले जाएंगे, तो आपका क्या होगा, लीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, पहला प्लेटफॉर्म। दूसरा प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से गूगल बेस, मतलब उसमें तीन साइटें जो मैं प्रीफर करता हूँ, upwork.com, freelancing.com और एक है fiverr.com। ये तीन वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, कौन कौन सी, upwork.com सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, upwork लगा, कुछ दिन तक फ्री है उसके बाद पेड है, बट आपका फ्री में काम हो जाएगा। दूसरा जो है वो है fiverr.com, तीसरा जो है वो freelancing.com। इन तीनों पर मैं चाहूंगा, तीनों पर आप जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आपने सैंपल प्रोजेक्ट अब तक में किए हो, नहीं किए हैं तब तो कोई मतलब नहीं इधर आने का, ठीक है, कुछ किए हैं अपने जस्ट लर्निंग बेस पे, उन सबका लिंक यहाँ पर ले आके प्रोवाइड कर दीजिए, इमेजेस ले आके प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि आपका प्रोफाइल देखते ही लोगों को लगे यार ये तो एकदम प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है। ऐसा कवर लेटर लिखो कि लोग हिल जाए, ठीक है, मतलब ऐसा कि मेरे पास इस चीज़ का इतना नॉलेज है कि मेरे से बेस्ट इंडिया में कोई है ही नहीं, या फिर वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका कवर लेटर, क्योंकि मान लो कोई फॉरेन में बैठा है, कोई बैंगलोर में बैठा है, कोई पुणे में बैठा है, तो वो आपको थोड़ी देख रहा है कि आप कैसे काम करते हो, वो तो आपके प्रोफाइल को देख रहा है। इतनी बेहतरीन प्रोफाइल बनाओ इन तीनों साइट्स पे, कौन कौन सी, अपवर्क पे,
fiverr.com पे और उसके बाद freelancing और freelancing.com पे, इन तीनों पे बेस्ट प्रोफाइल बनाओ। और बेस्ट प्रोफाइल बनाने के बाद डेली यहाँ पर लीड जनरेट करने के लिए आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी ने कुछ डाला हुआ है तो आप बोलो यस आई एम इंटरेस्टेड, ऐसा करके आपको करीब करीब एक हफ्ते देना पड़ेगा। ये गारंटी लेता हूँ, एक हफ्ते अगर आपने 3 से 4 घंटे दे दिए इन साइट्स पे, आपको छोटे से छोटा प्रोजेक्ट तो मिल ही जाना है, ठीक है। एक हफ्ते मिनिमम लगेंगे आपको वहाँ पर। और उसके बाद अगर आपको चाहते हो कि कैसे अप्लाई करना होता है, इसमें जो काम वगैरह आता है, तो नीचे कमेंट करो, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे बनाएं कि कैसे काम आएगा, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे उनको शेयर करना है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब वो सिखाने से समझदारी है, तो आप बता देना जैसे आपका मन करे, ठीक है। तो ये तीनों साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी डाटा इन तीनों साइट्स पर डाल रहे हो वही डाटा ले आके लिंक्डइन पर जरूर डालो। क्यों? लिंक्डइन पर आपको जल्दी कंटेंट, मतलब क्या होता है कि आपके इंडिया के अगल बगल के ही लोग हैं जो देखेंगे, हो सकता है वो डायरेक्ट आपको जॉब ऑफर कर दें, या फिर हो सकता है आपको बोले यार आपकी जो डिजाइनिंग है बहुत बेहतरीन है, मेरे लिए भी ये डिजाइन करके दे दो, तो दोनों में ही आपका बेनिफिट है। तो लिंक्डइन को एक्टिव करो पूरी तरीके से, लिंक्डइन पर फोकस करो, दूसरा इन तीन साइटों पर फोकस करो। कौन कौन सी? फिर से बता रहा हूँ, अपवर्क, freelancing.com, fiverr.com, ठीक है। अब आपके हाथ में है कि आप अपना करियर कैसे बनाते हो, कवर लेटर कैसे बनाते हो। कवर लेटर मेरा देखना है तो मेरा कवर लेटर का मिल जाएगा, मेरा कवर लेटर मेरे YouTube पे, जो ये जो जिस पे आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, अबाउट में जाना, वो मेरा जो है वो मेरा कवर लेटर है, ठीक है, वही मैंने इधर भी डाल दिया है, तो वहां से आप कवर लेटर देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप अपना खुद का कवर लेटर बनाओ, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन प्रोजेक्ट्स, कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे करके उनको जरूर डालो। ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वहाँ पर आपको पर डॉलर अपना चार्ज बताना पड़ता है, सबसे कम चार्ज डालो, बट इतना भी मत डालो कि उनको समझ आ जाए कि कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब सबसे कम, मतलब काम मिलने का चांस रहे $5 पर आस, ऐसा कुछ डाल दो, तो उनको लगेगा अच्छा ठीक है, ये बंदा कम पैसे में अच्छा काम करके दे रहा है, तो लीड मिलने की आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आए कुछ ना कुछ सीख के जाए, अगर सीख के नहीं जा रहा फिर मैं उसका 5 मिनट 7 मिनट बेकार कर रहा हूँ। कोशिश यही रहती है कि कुछ सिखा के जाऊँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मिलते रहे।